बात कोरोना की, जिसे लेकर यूपी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल वैक्सीन आने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठा लिया है जिससे आराम से जन जन तक वैक्सीन पहुंच सके। वैक्सीनेशन के लिए बकायदा कोरोना वैक्सीन स्टोरेज रूम बना दिए गए हैं, तो वहीं स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द करके व्यापक स्तर पर ट्रेनिंग चलाई जा रही है। दरअसल कोरोना की वैक्सीन जल्द सबके सामने होगी, इसको ध्यान में रखते हुए योगी सरकार पूरी तरह तैयार है। बकायदा लखनऊ में कोविड वैक्सीन स्टोरेज रूम बनाया गया है। ऐशबाग में कोविड वैक्सीन स्टोरेज रूम बना है जहां 4 LR रेफ्रिजरेटर पहुंच चुके हैं। लखनऊ में ही वैक्सीन रखने की क्षमता 900 लीटर के करीब है और इस रेफ्रिजरेटर में वैक्सीन 2 से 8 डिग्री तापमान पर रखी जा सकती है। इसके साथ ही कोरोना के वैक्सीनेशन का काम जनवरी से शुरू होने जा रहा है, जहां सोमवार और शुक्रवार को वैक्सीनेशन का काम होगा। तो ये तमाम व्यवस्थाएं जो है यूपी सरकार की तरफ से की जा रही हैं और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका जय प्रताप जी। सवाल सबसे पहला मेरा आपसे यही है कि वैक्सीनेशन को लेकर सरकार की तैयारी कितनी पुख्ता है और कब से शुरू होगा वैक्सीनेशन का काम? वैक्सीनेशन का डेट अभी हमको बताया नहीं गया है, इसलिए कि अभी कौन सा वैक्सीन भारत में लगेगा वो तय करना ICMR और उनके वैज्ञानिकों का है जी। एक बार वैक्सीन को जब चिन्हित कर लिया जाएगा, उसके बाद उसका डिलीवरी शेड्यूल सभी प्रदेशों को दिया जाएगा, जिसमें साथ में उत्तर प्रदेश को भी डिलीवरी शेड्यूल मिलेगा जी। तब फिर उसके आगे की हम बात करेंगे। दूसरी बात यह है कि हमारी तैयारी जहाँ तक है, हमारा पहले से ही बना बनाया कोल्ड चेन है, क्योंकि हमारा बहुत बृहद कार्यक्रम टीकाकरण का चलता है, उसी के अंदर हमारे पास पर्याप्त कैपेसिटी भी अभी उपलब्ध है जी। साथ में जहाँ हमको लगता है कैपेसिटी बढ़ाना है, तो उन 22 जनपदों में हम लोग ने नया स्पेस तैयार करके, नए कमरे तैयार करके, उसमें भी पूरी तैयारी कर ली है। एंड ऑफ दिस मंथ तक जितने भी हमारे कैपेसिटी जो हमारे हर जनपद में बढ़ाना या एग्जिस्टिंग कैपेसिटी या मशीन्स को ठीक कराना या टेक्नीशियन को करना, ये कंप्लीट हमारा बिल्कुल तैयार हो जाएगा। उसके साथ में हमारा CCTV भी लगेगा और सुरक्षा की भी व्यवस्था हमारे उन कोल्ड चेन पर पुलिस के द्वारा रखा जाएगा। ऐसे में जो एक और सवाल है वो ये है कि पहले चरण में यूपी में 4,85,00,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है, चुनौती बड़ी है, ऐसे में सरकार की तरफ से क्या तैयारी है? हमारी तैयारी पूरी तरह से बिल्कुल पुख्ता है, इसलिए कि हम 10 महीनों से कोविड के प्रबंधन में जी जिस तरह से हमने सिस्टमैटिक तरीका से काम किया है, उसी तरह से हमारे यहाँ भी हर चीज़ तैयार है। और जैसे मैंने आपको बताया कि टीकाकरण का काम हमारा लगभग एवरी ईयर चलता है, साल में 2-3 बार चलता है, तो उसी तरह हमने वैक्सीनेशन के लिए भी जी हमारे वैक्सीनेटर्स को चिन्हित कर लिए हैं। वैक्सीनेटर्स का ट्रेनिंग सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके प्रदेश के लेवल तक हो चुका है, प्रदेश से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी मास्टर ट्रेनिंग हो चुके हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग आज के दिन चल रहा है, और उसके बाद हमारे टेक्नीशियंस और अन्य लोग का साथ साथ चलेगा। तो अगले 2-3 दिन में हमारा वैक्सीनेटर्स, हमारे हब कटर्स, हमारा बायो वेस्ट डिस्कार्ड करने के लिए, ये सारी चीज़ें हमारे तैयार हो गए जी। और जैसे हमको वैक्सीन मिलना शुरू होगा, हम अपने शेड्यूल के हिसाब से उसको शुरू करेंगे। बिल्कुल, यानी जय प्रताप सिंह जी, समझा जाए कि सरकार की तैयारी पूरी है, बस इंतजार वैक्सीन का यहाँ पर किया जा रहा है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।